तो अफगानिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया जनाब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट अपने आवाम को कहा है कि भाई आप वहाँ पर मूव ना करें, और वाकई हमारे हालात ऐसे हैं कि हम अपने लिए मुश्किलें खुद पैदा कर रहे हैं, तो उनको हम कहाँ से संभालेंगे। कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है और जिसे कोई अभी तस्लीम नहीं कर रहा उस तरीके से वर्ल्ड वाइड, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से एक ऑफिशियली तौर पे स्टेटमेंट दी गई है कि जो वहाँ पे रहने वाले अफ़गानी हैं उन्होंने मना किया है कि पाकिस्तान में ट्रेवल से जो है वो गुरेज करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम मुल्की हालात जो है वो ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो भी मॉक कर रही है पाकिस्तानियों को? सर, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना हमारे खुद की, यानी कि यहाँ की गवर्नेंस का मसला है। तो गवर्नेंस ऐसी हमारी ऐसी है कि हमारे जो बरादरी इस्लामी मुल्क है ना वो भी हम पर एतबार नहीं कर रहे इस वक्त, और वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है या वहाँ की जो गवर्नेंस इस वक्त अनस्टेबिलिटी है, तो वो भी अपनी बंदों को ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मूव ना करें, या वहाँ पर आप अपना कारोबार है या वहाँ की जो मूवमेंट है जो भी है वो कम से कम कर दी जाए। तो इसकी बुनियादी वजह तो जो मुझे नज़र आती है कि वो अफगानिस्तान के, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि वो क्या ये सही किया है उन्होंने या गलत किया, तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी ही बात को ठीक है, अपने लिहाज से वो ठीक कर रहे हैं कि ठीक है जी वहाँ पे बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। वाकई हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला इस वक्त अनसर्टेनिटी है, सिक्योरिटी का इशू है सबसे बड़ा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल, रोज़गार के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं। पिछले एक डेढ़ साल से 15 से 20 लाख नौजवान यहाँ से जा चुका है, बाहर के मुल्क मूव कर चुका है, और इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर नाम मिलने के मौके हैं रोज़गार के, या अगर हैं तो बहुत ही कलील हैं, उसके लिए बहुत ही महदूद हैं। और तो जो यहाँ का जो ब्रेन है वो ड्रेन भी हो रहा है और साथ ही साथ मूव कर रहा है बाहर, और यहाँ पे जो डॉलर की रोज़ बरोज़ प्राइस बढ़ती जा रही है, आपकी ज़रिए आमदनी है वो बहुत कम होती जा रही है या महदूद होती जा रही है। तो जो चीज़ अभी आपको आज 200 रुपये की मिल रही है वो सुबह आपको 350 रुपये मिल रही होती है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो अफगानिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया जनाब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट अपने आवाम को कहा है कि भाई आप वहाँ पर मूव ना करें, और वाकई हमारे हालात ऐसे हैं कि हम अपने लिए मुश्किलें खुद पैदा कर रहे हैं, तो उनको हम कहाँ से संभालेंगे। सर, पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को देख रहा है, स्पेशली जो हमारा नेबर कंट्री भारत है वो भी इस चीज़ को देख रहा है। 1947 में आज़ादी हासिल की थी हमने, और हमारा नारा यही था कि तहफ़ हो, मतलब जो मिनॉरिटीज़ मुसलमान हैं वो मतलब तहफ़ के साथ रहे, और ये मुल्क हमने बनाया था। जब इन हालात को इस टाइम भारत देखता होगा, क्या हम इमेज देते हैं, मतलब किस निगाह से वो हमें देखता होगा इस टाइम पर? भारत जनाब हम पर हंसता है, खूब हंसता है, दुश्मन है वो तो हंसेगा कि इनके मुल्क में बदमनी हो, बंद इंतज़ामी हो हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता, और वो ये चाहेगा कि इसको कभी भी यहाँ पे ना मुआशरा जो है ना इनका कहीं यूनाइटेड ना होकर ना ये बैठें, लेकिन हमें बहरहाल आखिर करना तो है, इसका कुछ ना कुछ हल तो सोचना है। अगर हम हर वक्त यही ब्लेम करते रहेंगे जनाब भारत ये सोच रहा है या अफगानिस्तान ये सोच रहा है हमारे बारे में, तो उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने खुद अंदरूनी मामला बेहतर करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने जिस तरह बात की सिक्योरिटी की या हमारे जो यहाँ के इशूज़ हैं रोज़गार के, वो हमने खुद से बेहतर करने हैं ना भाई, वो तो उन्होंने आके नहीं, इंडिया ने करने या अमेरिका ने करने आके, वो हमारी कौम ने या हमारे इस गवर्नेंस सिस्टम ने बेहतर करने हैं। अगर हुकूमत ही नहीं यहाँ पर अपने ऐसे ज़राए पैदा करेगी आमदनी के, तो हम लोग क्यों बाहर मूव करेंगे किसी और मुल्क का, हम यहीं पर अपने इसी मुल्क में भाई कमाएँगे खाएँगे, और जो चीज़ें यहाँ पर हमें पैदा करनी चाहिए, जो हमारे यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ पर है हमारे पास, कॉटन हमारे पास है, वीट हमारे पास है, शुगर हमारे पास है, और वही चीज़ हमें महंगी मिल रही है अपने ही मुल्क में, तो कमाल की बात नहीं है। सर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर भारत की बात की जाए तो अब आपको अपना कंपैरिजन इथियोपिया जैसी कंट्रीज़ के साथ करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप इस टाइम भारत के साथ कंपीट कर रहे हो, कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो कि अभी मौजूदा करंट टाइम में हम कंपीट कर रहे हैं, हम तो किसी शोबे में भी नहीं कर रहे हैं। हम जी माशाल्लाह सिर्फ उनके साथ क्रिकेट में ही कंपीट कर रहे हैं, हमारी कौम को एक पीछे लगा दिया स्पोर्ट्समैनशिप के पीछे जनाब, के बस हमने क्रिकेट ही खेलनी है और क्रिकेट में ही हमने बात को हराना है, बाकी हम किसी चीज़ में नहीं हरा रहे हैं, ना हम गवर्नेंस सिस्टम में हरा रहे हैं उनको, ना हम उनको किसी अपनी ऐसी कोई इजादात में हरा रहे हैं कि जनाब हमने ये चीज़ बना ली है, या हम चांद पे पहुंच गए हैं तो वो नहीं पहुंचे, या हमने कोई ऐसी मोटरसाइकिल बना ली है या साइकिल बना ली है, कोई अनोनी चीज़ इलेक्ट्रिक कार बना ली है, आज सुबह बनाते हैं तो सुबह वो बंदा उठाया जाता है कि आपने ये क्यों बना ली है, ये तो बेहतरी के लिए बना लिया आपने, वेलफेयर के लिए, जो चीज़ हमने माफिया ने 1000 रुपये की देनी थी वो अगर हमने 100 रुपये की मिलेगी हमें फ़र्ज़ करें, इलेक्ट्रिक बाइक है या इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ है, तो ये बड़ा मसला है कि हमारे अंदर अपने ही हमने दुश्मन खुद से पैदा किए हुए ना। सर, चांद के बाद तो अब वो सूरज का भी मिशन उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, और वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चीपेस्ट मतलब जो है 45 मिलियन जो है वो कॉस्ट आई है उसके ऊपर, दुनिया में आज तक इतनी कम कीमत के ऊपर किसी ने सोलर मिशन नहीं किया, पहले तो चंद्रयान 3 मून मिशन हुआ, फिर सोलर मिशन हुआ,
तो सर वो तो मतलब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना आगे निकल गया? मेरे नज़र में सर आप ना ये भी देखें कि इंडिया की अगर हम ये बात करते हैं कि वो चांद पे पहुंच गया या सूरज पे जाने की तैयारियों में है, लेकिन वो सर, मिशन हो गया है, सक्सेसफुल हो गया हो गया, लेकिन मोरल वैल्यूज में कितना अच्छा है इंडिया हमसे, क्या वो आज अपने बड़ों की इज्जत करता है या छोटों को सबक दर्स देता है? खैर हमारे भी हम मोरल वैल्यूज़ जो है ना कम होती जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी आपको मोरल वैल्यूज़ बहुत डी मोरल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर, अभी भी वहाँ पे रेप ज़्यादा होता है औरतों का, बच्चियों का, छोटे मोरल वैल्यूज़ हैं। तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, 9 साल दौरे हुकूमत में 15 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, तुर्की हो गया, मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ भी उनको बुला बुला के अवार्ड से नवाज रही हैं। अगर इतनी मोरल वैल्यू हमारी हाई हैं तो हमारे शहबाज शरीफ या जो वज़ीर आज़म हैं उनको क्यों नहीं अवार्ड से नवाजा जाता? उन्होंने तो 9 साल में 15 इंटरनेशनल जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो भी सर एजेंडे पे भी काम कर रहे होते हैं ना, उनके साथ यहूदी लॉबी या उनकी गैर मुल्की एजेंडे पे भी उनके साथ इंडिया के साथ गठजोड़ है। लेकिन आप अपनी उनकी बीजेपी से आप हट के अगर आप कांग्रेस की बात सुने तो मैं वो भी देखता हूँ उसको, क्या कहते हैं वो जो हैं बीजेपी दूसरे कांग्रेस के हैं लीडर दूसरे एंटीन के, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया में कौन सा ऐसा, इन्होंने 30 मार्च का काम कर दिया मोदी साहब ने, गुजरात में कत्लो गारत मुसलमानों की इन्होंने शहादत की, अपना बाबरी मस्जिद इन्होंने शहीद की, और अभी रिसेंटली जो ईसाइयों की चर्च इन्होंने जलाई हैं 450 से ज़ायद, तो क्या आपने आलमी मीडिया ने क्या कभी उस पर बात की? हमारे यहाँ पे एक वो चर्च की बात की, वो भी उन्हीं का अपना ही बंदा था, उन्हीं की स्टेट का या उन्हीं की कौम का बंदा, गैर जो था यानी कि ईसाई से ताल्लुक़ रखता था, उसकी शराब से ही सारा कुछ हुआ था, और सारा मलबा हम पे डाल दिया मुसलमानों पे जनाब, मुसलमान वहाँ पे जनाब वो उनको गैर महफूज कर रहे हैं, वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ बड़ी वो अनसर्टेनिटी है सर, इतना अगर मुसलमान वहाँ पे तंग है तो वो पाकिस्तानी क्यों नहीं आ जाता? तो सर हमारा एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं ना सर, तो वो आने को भी तैयार नहीं है अगर आप स्टैट्स पे देखें तो। तो सर हम लेने को भी तैयार नहीं है, हमने भी तो ये ले पालक अपने जिम्मे अफगानिस्तान को अपने जाती अपने क्या कहते हैं मेहमान खाने पे किराए पे रखा हुआ है ना, हमें हर महीने उसकी मंथली मिलती है कि आपको इतने डॉलर मिलेंगे आप इनको रख लें 6 माह के लिए या जो भी है 1 साल के लिए, फिर आपको 1 साल के बाद रिन्यू करते हैं जनाब, नहीं अभी 10 रुपये और बढ़ा दो, फिर इसको रखा हुआ है। तो आप भेज, हम की तीसरी बड़ी मईशत भारत इस टाइम बनने जा रहा है, जापान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बुलेट ट्रेन भारत के अंदर इस टाइम चलाने जा रहा है। अगर आप बात करें नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड मतलब जो है वो डेवलपमेंट हुई है इस 9 साल के अंदर, जितनी भारत के किसी टेन्योर में नहीं हुई, आपको लगता है वहाँ का शहरी मुसलमान वो छोड़ के एक ऐसी कंट्री में आएगा जहाँ डॉलर 300 क्रॉस कर गया है, जहाँ पे पेट्रोल जो है वो ट्रिपल सेंचुरी मार गया है, जहाँ पे मुल्क के मसाइल ऐसे हैं कि मतलब आप जड़ा वाला का आप वाकया देख लें, आप जितने भी मामलात वगैरह हैं, आपको लगता है वहाँ से छोड़ के लोग इधर माइग्रेट करेंगे? अब तो हालात ये हैं कि इधर से लोग जा रहे हैं। लेकिन सर अगर आप आज का रेट डॉलर का अपना वहाँ का सुन लें इंडिया का और तेल का सुन लें, तो गालिबन आपकी मैं वो तस्दीक करता चलूँ, तस्वीर भी कर दूँ कि वहाँ पे भी 1100-1100 रुपये LPG सिलेंडर हो चुका है आज का रेट है, डॉलर अपना पेट्रोल वहाँ पे भी 400 प्लस या 400 के लगभग है अगर मैं गलत ना हूँ। इस दौर में जी रहे हैं, 96 रुपये पेट्रोल इस टाइम जा रहे हैं वहाँ पे लीटर। आप दोबारा चेक कर लें, अभी चल रहे हैं, अभी चेक कर लें। आप पाकिस्तान का रेट शायद भारत पर रख के बता रहे हैं? नहीं भारत में इस टाइम 96 रुपये लीटर पेट्रोल है, डॉलर के रेट की आपने बात की 84 है, शायद हमारे पॉलिटिशियंस ही हमें कुछ इस तरह बताते हैं। मे बी सर ऐसा ही होगा, मैं एक मिनट ज़रा कंफर्मेशन ले लूँ, इंडियन पेट्रोल जी जी गूगल कर लें। ये आया 96 रुपये 72 पैसे, मतलब गूगल अभी किया है, तो आप कहने 400 रुपये मतलब ये बनेंगे पाकिस्तानी तकरीबन। सर पाकिस्तानी छोड़ें, ये बताएं उनकी करेंसी के अंदर कितना है? ठीक है, कितना है सर? 96 रुपये 72 पैसे दिल्ली का रेट बता रहा है। सर बिजली की अगर मैं बात करूँ ना तो 300 यूनिट पूरे भारत के अंदर फ्री हैं, पहले आप यहाँ पे बिजली के बिल देख लें क्या सूरत हाल है, वहाँ पे लोग किस बिजली के बिल ही वहाँ पे मतलब फ्री ऑलमोस्ट बिजली हुई हुई है। सर हमने कर्जे भी तो ले चुके हैं ना, अब गवर्नेंस को कौन समझाए? आवाम को ये समझना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को पहले आप डिफाइन कर लें कि भाई मैं जिसको वोट दे रहा हूँ ये बंदे का पुत्र है या मुझसे भी क्या गुजरा है। अच्छा आपने मुझे कहा 400 रुपये लीटर, जब आपने गूगल पे चेक किया 96 रुपये लीटर है, कैसा लगा देख के आपको? बहुत हैरत हुई, हैरत हुई मुझे, बिल्कुल हैरत हुई। डॉलर रेट भी आप चेक कर सकते हैं, इस टाइम 84 जा रहा है वहाँ पे। अच्छा मैं
सर मुझे लास्ट पे ये बताएं कि क्या फ्यूचर है अगर यही हालात रहते हैं। एक टाइम था हम कहते थे यूरोप से सीख लो, अमेरिका को देख लो, ये वो। अब तो मौजूदा करंट टाइम में भारत हमारे लिए रोल मॉडल बनता जा रहा है। सर भारत ने नो डाउट कि इसमें तरक्की की है पिछले 15 से 20 सालों में, अपनी पूरी सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर किया है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल उसमें जो कह रहा हूँ मैं कहूँगा कि चेंज भी किया है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी बड़ी है तो, या बड़ी तो खैर चाइना की भी है, अब आप ये ना कहें कि वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिश्वतवस्तानी भारत में क्या नहीं होती, हमसे ज़्यादा होती होगी। अगर यहाँ पे फाइल का रेट 100 रुपये है तो वहाँ पे 1000 रुपये भी होगा, 500 रुपये भी रेट चल रहा है इंडिया का में। तो मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, कुछ रियासतों में तो इतनी बैड गवर्नेंस है जो हम देखते हैं मीडिया से सुनते भी हैं, वो शायद हमें दिखाई नहीं जाता कि हमारे पास असर नहीं है, या हमें सिर्फ मीडिया ने आज तक ये तो नहीं बताया कि यहाँ से लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट जा रहे हैं। मतलब वो क्या बताएगी कि फिरकावारियत हो रही है वहाँ पे, हालात बड़े ख़राब हैं, ये वो। मतलब मैं यहाँ इसी मार्केट में इसी जगह पर मैं ऐसे पेरेंट्स से मिला हूँ, वालिद साहब ने खुद मुझे उनके बताया कि मैं 2 दफ़ा अपने बेटे को हार्ट का ऑपरेशन कराने लेके गया हूँ, पाकिस्तानी किसी डॉक्टर ने जो है उसको लेने से इनकार कर दिया, और बकायदा रिकमेंड किया गया कि आप ट्रीटमेंट अगर अच्छा कराना चाहते हैं आप पड़ोसी कंट्री भारत ले जाएं, भारत जाके करा के आएँ। और वो कहते हैं इतना वार्म वेलकम किया और इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया कि आज मेरा अपना बेटा वो डॉक्टर है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? सर ये मीडिया का कसूर है ना, जिसको आप चौथा सतून बोलते हैं, उस चौथे सतून से पूछे ना कि वो ये क्यों नहीं चीज़ दिखाता, वो हमेशा यूँ क्यों हमें गोली बारूद और कश्मीर का, और कभी वो अजमल कसाब वाला, या इंडिया ने वो हमें यहाँ पे वो भेज दिया था, कौन सा सिख रहा था, जो भी था, इन दोनों की आपस की जो कह लें कि ऊपर की जो लड़ाई है ना, वो ज़्यादा उसको फेम दिखाया जाता है, और जो अच्छी चीज़ें ना उसको कम दिखाया जाता है। जबकि आवाम ये नहीं चाहते होंगे कि भाई आप हमें, मतलब आपको कोई लड़ाई नहीं होगी भाई फलाने इंडिया के किसी सिकड़े से, भाई तू अपना काम कर, अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना कमाई खा रहे हैं, तू अपना कमाई खा रहा है, वो भी घर में जाता होगा 2 रोटी की रोटी के लिए, अच्छे काज के लिए भाई मैं निकलता हूँ सुबह, मुझे क्या लेना कि मैं पाकिस्तान से जाके जंग लड़ूँ और कुछ क्या फतह कर लेगा एक दूसरे से। असल तो चीज़ होती है दिलों की फतह, कि आपने दिल किस तरह फतह करना है, वो आपने जज्बे इंसानियत के जरिए से करना है। जिस तरह आपने फरमाया खुद ही कि जनाब एक बंदे को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी तो वो कराची से चला गया इंडिया के शहर दिल्ली में या हैदराबाद में, क्योंकि वहाँ पर सस्ता भी था और उसको डॉक्टर भी अच्छे मिले और उसको डोनेशन भी मिल गया, जो भी था एक्स वाई जेड उसको जो भी स्पॉन्सर मिल गया। जबकि ये मीडिया नहीं दिखाता, मीडिया ये चीज़ दिखाएगा जनाब आज हमने 30 बंदे बॉर्डर पे उनके मार दिए, उन्होंने 5 बंदे हमारे शहीद कर दिए और हमने गोला सीज़ फायर का ऐलान कर दिया फलां फलां एक्स वाई सी, कभी ये चीज़ नहीं दिखाएगा। या कोई दिखा देगा बहुत ही कोई अच्छी चीज़, भाई वहाँ का कोई सिकड़ा आ गया यहाँ पाकिस्तान में आके उसने माथा टेका अपने अपने बड़ों के आगे, जो भी उनकी ज़ियारत वगैरह उसने की और उसको, लेकिन उससे ज़्यादा कई दर्जा मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ दिखाई जाए जो आप अपनी खुद जिक्र कर रहे हैं, कि इस चीज़ को जब आप जितना दिखाएंगे तो उतना आप लोगों में वो इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ भाई ये इससे भी आगे कुछ चीज़ें हैं। ये जो अफगानिस्तानी गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट पास किया, क्या ये भी मीडिया पे बतानी चाहिए कि अब अफगानी भी अपने अफगानिस्तान अपने अफगानियों को कह रहा है कि पाकिस्तान ट्रैवल ना करें? हाँ बिल्कुल चाहिए, मीडिया ने ये भी नहीं बताया अभी तक कि जनाब मैं हल वो सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया गया अफगानिस्तान 2-3 रोज़ पहले, मैं कुछ व्हाट्सएप पर देख रहा था, लेकिन मीडिया ने कहीं जिक्र नहीं किया। नहीं करता सर, मतलब क्यों नहीं बताता है? यही तो वजह ना, यही तो आप मीडिया वालों से पूछें कि क्यों नहीं करना, उसे क्यों नहीं लगता कि भाई क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है? क्या हमेशा सिर्फ बैड दिखाना चाहिए कि जनाब आज हमने 10 बंदे मार दिए, आज 3 के साथ ज्यादती हो गई, आज किसी ने गला काट दिया फलां का, या आज किसी का केस लगा था कचहरी में तो जनाब उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया? अच्छी चीज़ पॉजिटिव चीज़ जितना दिखाएंगे। आपको नहीं लगता कि इस वजह से इंडिया के हालात नहीं बताते, कि अगर बताने लग गए कि इंडिया इस टाइम कितनी तरक्की कर गया है तो यहाँ पे रहने वाला शहरी जो है वो क्वेश्चन उठा सकता है कि फिर मेरी यहाँ पे क्या एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अगर वो चीज़ दिखाने लग पड़े मीडिया के जनाब इंडिया में इतनी आज उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर गई, आज का रेट उनका इतना अब चला गया फलां का, या उनकी इंडेक्स इतनी चली गई ऊपर स्टॉक एक्सचेंज, तो हमारे यहाँ तो तजारत पर था कहकर भाई हम तो फिर बनाया ही क्यों था कि अगर मतलब वो। तो बात तो यही है कि यहाँ पे दिखानी चाहिए जो चीज़ें उनकी पॉजिटिव हैं, और उनको भी चाहिए कि हमारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाएं, लेकिन ये बात है कि दोनों तरफ से चलेगी बात तो फिर है ना, अब दोनों को इंटरेस्ट ही हाई लेवल्स का यही है कि भाई आपने दिखाना ही उनका बैड है, मैंने उनका बैड दिखाना, उन्होंने हमारा बैड दिखाना है, कि भाई मुसलमान तो आता ही यहाँ पर जिहाद करने के लिए और मारने के लिए हमारे हिंदुओं को, और इधर से पाकिस्तान दिखा रहा है कि जनाब हिंदू ने तो आना ही ये करना है एक्स वाई जी करना है। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा तो मैसेज छोटा सा अर्ज ही है गवर्नेंस के आगे भी और गवर्नमेंट वालों के आगे भी, और खसूसी तौर पे ब्यूरोक्रेसी के आगे, आपके तवज्जो से कि जनाब ब्यूरोक्रेसी को पैगाम देना चाहिए। एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेसी करती है ना वो गवर्नेंस करती है, मैं या आप या कोई पॉलिटिशियन जिसको आप
जिसको मैंने शायद मुंतखब भी नहीं किया, जिसको मैंने वोट भी नहीं डाला होता, उस साले को हमने आगे 4-5 लाख रुपए वोट दे के खड़ा करते हैं, जिसका काम होता है कि लेजिस्लेटिव करना, वो लेजिस्लेटिव नहीं करता। वो साला करता क्या है जनाब, ऐ मैं तेनों फ़ोन कर रहे हैं SHO, ये फलां बंदे को या इसको छोड़ दे, वो ब्यूरोक्रेट को कैसे, क्यों DSP को या SPO कह रहा होता है। अब SP या जो भी DC है उसका काम बनता है कि वो अपने कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करे, जो उसकी हद मुकर्रर है ना उसमें रहते हुए वो काम करे, कि हाँ भाई उसको लगता है कि ये मुजरिम है तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता, वो साफ इनकार कर दे। 1015 लोग हैं MP MNA मिला के चारों सूबों के, जो हमारे ऊपर ये 25 करोड़ के ऊपर काबज़ हैं। मुझे ये बताएं कि ये DC उससे ज़्यादा पावर रखता है या कोई ब्यूरोक्रेट AC पावर रखता है, लेकिन ये साला उनकी नौकरी उनके तलवे चाट रहा होता है। तो मुझसे आप ये सवाल करें कि भाई मेरे, कि आप इनको ये जो पढ़कर आते हैं ब्यूरोक्रेसी में AC कंजर्वेशन वगैरह लगते हैं, ये किस फैमिलीज़ के होते हैं, बैकग्राउंड के, इन्होंने किस चीज़ का वचन लिया होता है, कौन सा ओथ लिया होता है कि जनाब क्या मुल्क कौम की, मुझे लगता है ये मुल्क कौम की खिदमत तो करने नहीं आते, कम अज़ कम ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं कि या अपना आरोप झाड़ने के लिए आते हैं कि जनाब हम AC लग गए हैं, आप हमारी 1 लाख रुपये तनख्वाह लगी, आप पूरे ज़िले के मालिक हैं और हमने आइंदा 5-6 सालों में ना रोल बैक करना है, पैसा कमाना है और वही करना है जो हमें इलाके का MNA MPA बोलेगा, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। तो बराए करम मेरे लिए इनके लिए मैसेज है कि ब्यूरोक्रेसी को आप सबसे पहले आप सीधा करें। सर ताजे बरतानिया के पीछे, अगर ताजे बरतानिया का तख्त जिसके बारे में मिसाल दी जाती है कि जहाँ वो देखता था वो सूरज गुरूब नहीं होता था, तो उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी होती थी फ्रंट पे, उसके पीछे बादशाह होता था। मतलब बादशाह ठीक है, एक सुपीरियर रहता है या कोई ना एक सुपीरियर है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट उसकी ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है कि भाई उसको आगे उसको सेव उसको रास्ता बताना, उसको बताना कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, बादशाह सलामत यूँ करना है, यूँ करना है, तो कामयाब है। इसीलिए उस निज़ाम को हम कहते हैं, एक्चुअली वो जमहूरियत है, इंडिया की भी जमहूरियत नहीं है।